बहुत ही ज़बरदस्त आज जो है ये आपको मास्टेला 3-in-1 के बारे में सब बताया जाएगा। बिल्कुल भी आपको ये वीडियो मिस नहीं करनी। अच्छा, सब्सक्राइब भी करना है आपको लाजमी, और शेयर भी करना है, और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना है ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको फौरन मिल जाए। और वीडियो को एंड तक आपको लाजमी देखना है ताकि आपको सारी प्राइजेज़ वगैरह क्या हैं, कैसे असेंबल किया जाता है, क्या फंक्शन है, सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। और ये जो आपको दिखाने लगे हैं ये हमारे आउटलेट से भी मिल जाएगा, बाकी आपको घर बैठे ऑल ओवर पाकिस्तान डिलीवरी भी अवेलेबल है। ठीक है जी, अब इसके बाद जो उसका सेकंड ऑप्शन है वो हम लगा के दिखाते हैं, टाइमर। टाइमर ये वाला होगा जनाब, 15 मिनट्स का लग गया इसके ऊपर टाइमर। कभी आप रात में सो जाएँ तो ये बिल्कुल आराम से जो है 15 मिनट के बाद खुद ही बंद हो जाएगा, आपको उठ के इसको बंद करने की जो है वो नीड नहीं होगी। अच्छा जी, इसको अनबॉक्स करके दिखा रहे हैं। मास्टेला 3-in-1 डिलक्स मल्टी फंक्शनल बेसिनेट है, ये बहुत ही ज़बरदस्त आइटम हमारे पास चल रहा है इस वक्त। ठीक है जी, तो इसके अंदर सबसे पहले आपको एक्सेसरीज की बता दी चलूँ कि क्या क्या इसमें आइटम जो है वो इंक्लूड है। एक इसके अंदर मशीन दी गई होगी, ठीक है जी, जो किस तरह की मशीन है, प्रॉपर वर्क करेगी इसके अंदर। और बाकी इसके साथ जो है दो बड़ी रॉड्स होंगी, बड़ी रॉड्स आ गई, ठीक है जी। फिर इसके बाद छोटी रॉड्स होंगी जो एल शेप के अंदर होंगी, वो आपको मिलेंगी दो। और इसके अंदर दो जो है एक और एक्स्ट्रा रॉड दी गई होंगी जो कि टू वे के ऊपर है, मतलब टू रॉड्स के अंदर एक वन रॉड जो है वो अटैच है, तो साथ ही ये दो रॉड भी होंगी। और साथ आपको जो है वो सनशेड मिलेगा जो कि नेट के साथ है, एक डबल कुशन का फैब्रिक मिलेगा, और साथ एक पिलो मिलेगा, और जो है इस तरह का पूरा कम्फर्टर होगा इसका क्विल्ट, और ये इसमें एक अडेप्टर की पिन होगी जो मतलब आप जो है डायरेक्ट इसको इलेक्ट्रिक से अटैच करके भी चला सकते हैं, और सिंपल सील से ऑपरेट करना हो तो वो ऑप्शन भी जो है इसमें अवेलेबल है। अच्छा जी, साथ रिमोट भी दिया हुआ है, आपको 12 बटन वगैरह दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, ठीक है जी, इसमें इस तरह का एक रिमोट दिया गया है, रिमोट के अंदर सारे फंक्शन जो है वो इसमें दिए गए हैं ताकि ऑन ऑफ कर सकें, आप टाइमर लगा सकें, वॉल्यूम कंट्रोल कर सकें, और स्पीड इसकी जो है वो अपने हिसाब से इसको बढ़ा सकें। ठीक है जी, आज इसको बना के दिखाते हैं अनबॉक्स। वीडियो को आपने लास्ट तक जो है बिल्कुल देखना होगा ताकि आपको उसकी प्राइस भी मालूम हो जाए, और साथ ही जितने फंक्शन हैं वो भी जो है आपको उसके मालूम हो जाए। तो सबसे पहले मशीन लेंगे, ठीक है जी, मशीन के अंदर जो है आपने दो बड़ी रॉड्स अटैच करनी है, वो आपको बताते हैं। ये इस तरह की दो बड़ी रॉड्स होंगी आपके पास, ये वाली रॉड्स को आपने अटैच करना है इसके अंदर। सबसे पहले आप जो है हम वो लगाएंगे, राइट साइड की रॉड लगाएंगे इसकी। इसमें बटन क्लिप का सिस्टम होगा टोटली, इसको असेंबल करने के अंदर आपको बटन एंड क्लिप्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे, पेचकस वगैरह का कोई इसमें काम इसमें जो है वो नहीं है। ठीक है जी, बटन इस बटन सिस्टम के ऊपर ये क्लिप लग गया। इसके बाद सेकेंड क्लिप ये वाला है, ये भी लगाते हैं, इसका सेकेंड क्लिप है। सेकेंड क्लिप लगा, इसके बाद बैक साइड पे जो इस तरह का दिया गया होगा, ठीक है जी, तो वो आप बैक साइड पे भी इस पर लगा सकते हैं। ये अब इस तरह से पूरा फ्रेम इसका जो है वो कंप्लीट बन चुका है। अब बाकी दूसरी जो उसकी एक्सेसरीज है वो आपको उसकी लगा के दिखाते हैं। इस तरह की रॉड्स दी गई होंगी इसके अंदर दो, ठीक है जी, एक ये वाली रॉड होगी लेफ्ट साइड की, एक रॉड होगी आपकी जो है वो राइट साइड की। तो सबसे पहले आपने लेफ्ट साइड वाली इसके अंदर लगानी है, जिसके अंदर होल्स नहीं होंगे वो आपने लगानी है, ठीक है जी। और ये बिल्कुल लास्ट तक आपने इसको बिल्कुल बाहर निकाल देना है ताकि आप इजी जो है वो इसको सेकंड अटैच करके वो बिल्कुल पॉइंट पे लाके इसको फिक्स कर सकें, तो उसको आपको बिल्कुल जो है वो लास्ट तक लेके जाना पड़ेगा। फिर सेकेंड के अंदर आपने इस तरह से मिलाना है, और ये क्लिप सिस्टम से आपने इसको अटैच कर देना है, ये वन साइड। सेकेंड साइड, ठीक है, ये दोनों जब क्लिप लग जाएंगी तो बिल्कुल जो है आपने इसको पॉइंट पे लाके बिल्कुल फिक्स करना है ताकि होल टू होल बिल्कुल अटैच हो जाए और ये प्रॉपर स्विंग करे। तो उसके लिए आपने हल्का सा हाथ से ही प्रेस करना है इसको, और ये बिल्कुल पॉइंट पे आके फिक्स हो जाएगा। ठीक है जी, आपको एक बार जूम करके दिखाते हैं, ये बिल्कुल देखिए पॉइंट पे आके इसके फिक्स हो चुका है, तो ये बिल्कुल प्रॉपर जो है वो स्विंग अभी कंडीशन के अंदर है, तो वो ईजी जो है वो स्विंग कर लेगा। इसके बाद दो इसमें एक्स्ट्रा रॉड दी गई होंगी जो कि सेल शेप के अंदर है, उसको आपने सबसे पहले आपस में कोई से जोड़ना है, और फिर जो है ये इसके फैब्रिक के अंदर आपने डालना है। फैब्रिक में किस तरह से डालना है ये आपको बताऊं, देखिए सबसे पहले जहाँ पे बीबी का हेड आता है उस जगह पे राइट साइड पे जो है इसमें वो होगा होल होगा, उसके अंदर आपने जो है वो रॉड को डालना है। यहाँ से आपने इसको एंटर करना है, ठीक है जी, लास्ट तक जब तक एग्जिट ना हो जाए ये रॉड, वहाँ तक आपने इसको निकालना है और फिर इसको अटैच कर देना है। ये वन क्लिप सिस्टम, यहाँ से सेकंड क्लिप हो गया, ठीक है जी, सेकंड क्लिप भी हो चुका है, ये बिल्कुल प्रॉपर अब
बस उस पर आ चुका। अब इसको नीचे से हम अटैच करते हैं। ठीक है, यहाँ से हो गया और ये यहाँ से। अब ये प्रॉपर एक बेसिनेट के शेप में इस वक्त जो है वो आ चुका है। नीचे से बेल्ट होता है वो आप लगा देंगे तो मजीद सेफ्टी हो जाएगी, ताकि बीबी माशाल्लाह अगर आपका हेल्दी है, टॉल है, अगर वो नहीं आ पा रहा उसके वजन से थोड़ा सा आपको अनबैलेंस लग रहा है, तो ये आप इसको जो है बेल्ट को लगा लें तो ये मजीद और जो है आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है जी, बेल्ट में लॉक कर दिए, नीचे बेल्ट लॉक हो गया। अब इसके बाद हमने उसके अंदर लगाना है डबल कुशन। डबल कुशन आपको दिखाते हैं सबसे पहले। डबल कुशन इसका ये रहा, ठीक है। और ये होल होगा इसके अंदर किस तरह से, बड़ा होल और साइड पे दो छोटे होल्स होंगे, दो छोटे होल्स और एक बड़ा होल्स होगा। बड़े होल के अंदर आपने जो है ये वाला इसका जो है वो जगह डालनी है, जहाँ पे मस्टेला का स्टिकर लगा हुआ है, इस जगह पे आपने इसको जो है वो बाहर निकालना है इस जगह से, और इस तरह से आ जाएगा। फिर सेफ्टी बेल्ट को आपने इसको एंगल देखना है कि किस तरह से एंगल इसका, और ये इसका एंगल जा रहा है यूँ, तो हमने बिल्कुल प्रॉपर शोल्डर से कवर करने के लिए यहाँ से लगाना है, ताकि हम इजी बेबी का शोल्डर कवर कर सकें। तो ये आपने सबसे पहले उसमें लगाना है और फिर सेकेंड आपने इसमें लगाना है। ठीक है, यहाँ से हो गया और इसी तरह से सेम यहीं से भी यही है। यहाँ से भी लग चुका है। अब प्रॉपर ये जो है आप आराम से जो है बेबी को शोल्डर से कवर करके या पेट से जितना एडजस्ट करना हो अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट करके रख सकते हैं। इसके बाद लॉक करना है ये फर्स्ट। यहाँ तक हम इसको असेंबल कर चुके हैं, अब आपको दिखाते हैं इसके अंदर प्लो। प्लो इसमें सर से लगता है, सिलिकॉन का इसमें दिया गया होगा, सिलिकॉन से बिल्कुल ईजी प्लो लग जाएगा। ठीक है, ये होल्स के अंदर आपने डालना है और ये इसका प्लो लग गया। ठीक है, आराम से जो है बेबी आप इसमें कम्फर्टेबल करके सुला सकते हैं। साथ इसमें जो वायर दी गई है, वायर मैं आपको बताते चलूँ किस फंक्शन के लिए है, और ये रिमोट भी दिया गया है तो रिमोट भी आपको बताते चलूँ किस फंक्शन के लिए है। सबसे पहले इसके हम लगाते हैं सनशेड। सनशेड आपको लगा के दिखाते हैं, सनशेड यहाँ से लग जाएगा। ये वन रॉड के अंदर आपको उसको अटैच करना है फर्स्ट साइड पर, इसी तरह से सेकेंड रॉड भी अटैच करनी है। ठीक है जी, दोनों साइड बैठ चुकी हैं। फिर फैब्रिक को पीछे आपने लगाने हैं, प्रॉपर कवर्ड कर देना, और फिर आगे से पूरा नेट से कवर्ड कर देना, मॉस्किटो नेट से कवर्ड हो जाएगा तो बिल्कुल इजी और सेफ्टी हो जाएगा बीबी के लिए। ठीक है, अब इसको हम इसको ऑन करके दिखाते हैं। अच्छा जी, ऑन करने से पहले सबसे पहले आपको बताते चलूँ इसमें तीन फंक्शन जो है वो दिए गए हैं, कि जो है आप इसको तीन फंक्शन से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला, ठीक है जी, ये इसके अंदर दिया गया एक पावर बैंक। पावर बैंक अगर आपके पास है, आप पावर बैंक से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से इसको यूज़ करना है तो वो फंक्शन भी इसमें अवेलेबल है। मतलब मिसाल इसमें इस तरह जो है वो वायर दी गई है, वायर के अंदर जो है ये पतली वाली पुट जो है ये इसके मशीन में जाएगी, और दूसरी वाली पुट जो है ये इसके अंदर आप जो हमारा फ़ोन का अडैप्टर होता है, चार्जर जिसे हम कहते हैं, तो उसको उससे आप कनेक्ट करके इसको सॉकेट में लगाएंगे तो ये विदाउट सेल चलेगा। मतलब सेल्स के आपके पैसे बचेंगे, सेव मनी ऑन बैटरीज बॉक्स पर भी लिखा गया है, तो सेल के आपके पैसे बचेंगे इसके अंदर। ठीक है जी, अगर उस तरह से आप इसको उसको प्ले करते हैं तो उस तरह से प्ले हो जाएगा। और अगर कभी घर से बाहर आपको इस्तेमाल करना हो तो घर से बाहर भी आप इसको लेके जा सकते हैं। घर से बाहर इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि डबल ए बैटरीज जो होती हैं हमारी, जो वॉल क्लॉक में लगती हैं, मैं आपको इस पे बॉक्स पे भी दी गई है वो भी दिखाता चलूँ। इस साइज़ की बैटरीज इसके अंदर लगती हैं, डबल ए बैटरीज जो बिल्कुल नॉर्मल सेल हैं किसी भी जनरल स्टोर से आपके एरिया के, और बिल्कुल ईजी आपको मिल जाएंगे। इसमें अगर आपको अच्छा ब्रांड का डाल देंगे टोशीबा या जो है एनर्जाइजर वगैरह का, तो वो काफ़ी अर्सा और काफ़ी टाइम आपका जो है वो इसके अंदर आराम से खींच लेगा। अदरवाइज सबसे पहले हम तो आप इसको फिलहाल जो है वो पावर बैंक से प्लग इन करके दिखा रहे हैं, ताकि आप इसको टेस्ट कर लेंगे चलता किसे।